नहीं वो मेरा है। देखो देखो कितना बड़ा है मेरा ड्रेस जो मैं शादी में पहनने वाली हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम लोग माँ के लिए साड़ी लेने जा रहे हैं और कुछ कुछ बाकी जो रह गया है हमारा, उस दिन हम शॉपिंग किए थे वो वाला ब्लॉग प्लस हॉल मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख लो। तो बाकी जो जो और थोड़ा बचा था हमारा शॉपिंग तो वो सब आज करेंगे। और स्पेशली आज जो करना है बड़ा, सबसे बड़ा जो काम है वो है माँ के लिए साड़ी लेना है। तो अभी मैं और प्रीति हम दोनों जा रहे हैं, हम लोग साड़ी लेंगे। साड़ी चूज करने में तो बहुत टाइम लगता है, तो अभी 4 बज गया है, अभी हम निकल रहे हैं, जल्दी जाना है। वी आर ऑलरेडी लेट, सो अभी बात और नहीं करते हैं ज़्यादा, निकलते हैं नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके ब्लॉग में मैं कैमरा पकड़ के क्या कर रही हूँ, तो मेरा थोड़ा सा मन था कि मैं कैमरा में ऐसे ब्लॉग करूँ। और आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा तैयार होके भी बाहर जा रहे हैं। मैं तैयार नहीं हुई हूँ, तू हुई है बस। हाँ, क्योंकि तो इससे पहले शूट कर रही थी तो इसलिए ऑलरेडी ये रेडी होके थी और थोड़ा सा बस ज्यादा मेकअप नहीं मैं मेकअप की हुई थी और मैंने फेस वॉश करके मैंने भी कोई मेकअप नहीं किया। तो हाँ, तूने किया है। मैंने मेकअप किया है, मैंने बस एक झुमका, अब वो उसने मेरा वाला पहनी है तो मैं भी एक झुमका मैं पहन ली। तो अभी नहीं, ये तो हम दोनों ने मिलकर खरीदा है। नहीं वो मेरा है, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं मम्मी की साड़ी खरीदने। तो आगे आगे आपको सब दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहना। गाइस, आज का दिन बहुत पता नहीं क्या है, जो जो काम के लिए निकले थे कुछ नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग गए थे यहाँ पे कोलकाता में, कुछ एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स लोग रहते हैं सब। आगे जा रही हो? हाँ जा, वहाँ पे गए थे हम लोग। वहाँ पे बहुत है साड़ी का स्टोर, तो गए थे लेकिन अच्छा नहीं लगा। मतलब जो अच्छा लगा कुछ बजट के अंदर नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है श्री दुर्गा, लेकिन द थिंग इज मुझे यहाँ पे कोलकाता में श्री दुर्गा मिल ही नहीं रहा है। आई मीन गूगल पे सर्च करो ना तो भी कुछ अलग अलग दिखा रहा है। दिमाग खराब, फिर बहुत इतना चलना पड़ता है। मैं जिंदगी में कभी इतना नहीं चली, ये एक महीने में कोलकाता में जितना चली हूँ मैं। पैर पूरा दुख रहा है और सांस नहीं आ रही है इतना था। रिक्शा मिलता नहीं, कुछ मिलता नहीं, आपको चलना पड़ता है बस, गली गली में चलो, ना ऑटो है ना रिक्शा है। काम हुआ नहीं है, साड़ी नहीं खरीदे अभी तक। तो फिर से हम लोग और एक मार्केट आए हैं, वहां से बाकी जो काम है वो खत्म करेंगे, छोटा मोटा जो भी है। लेकिन उससे पहले कुछ खाएंगे, ऑलरेडी खा लिया था पापड़ी चाट, टेस्टी लगा था। और फिर उसके बाद मैंने लस्सी पी ली थी, तो अभी और कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर मार्केट चलेंगे। और हाँ, लाइट को भी दिखाने लाए थे हम, मेरा जो एक लाइट है वो लाइट आधा आधा जल रहा है, आधा नीचे से नहीं जल रहा है। तो वो भी दिखाने के बाद हमें पता चला कि लाइट गया, आज का दिन ही खराब है। ओके, तो हम जल्दी से पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मार्केट चलते हैं। हाय गाइस, हाय गाइस। तो मैं उस दिन, उसके बाद मार्केट जाके हम लोग कुछ और किए नहीं बेसिकली। और जो हालत था आप लोगों ने देखा कि बहुत बहुत बुरा दिन था वो, तो उस दिन मैं और कुछ शूट नहीं की, इसीलिए ये हमारा लास्ट डे है कोलकाता। हाँ, तो हम अभी जा रहे हैं शादी के लिए, भैया का शादी है घर में, तो घर जाएंगे उसके बाद फिर कौन से। कौन सा भैया का, वो बोल दे नहीं तो बताए उनको कैसे पता चलेगा। हाँ वो, हाँ मैं दिखाई थी, आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा पहले, जिस दिन हम लोग लड़की देखने गए थे, मैं भैया और भाभी को आप लोगों को दिखाई थी। तो वो वाला ब्लॉग देखो नीचे जाके, अगर आपको जानना है कौन से भैया और भाभी है।
तो बेसिकली इसमें दे देना ना। हाँ, मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके वो वाला ब्लॉग पहले देख लेना। अब मैं शादी का ब्लॉग भी सब ऐड करूंगी, डालूंगी, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। एंड अभी हम दोनों ना लास्ट डे है इसीलिए जा रहे हैं, यहाँ पे हमको जो अच्छा लगता है खाने को वो हम सब आज एक साथ खा लेंगे। हाँ, ताकि ओडिशा जाके और हम कोलकाता को मिस नहीं करें। नहीं, मिस तो मैं करूंगी, मैं आज आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जो गोलगप्पा मिलता है ना, इतना बड़ा बड़ा, हमारे ओडिशा में तो वो मिलता ही नहीं है, वो भैया का गोलगप्पा मैं मिस करूंगी। तो हम लोग यहाँ से गुपचुप खाते हैं। ये भैया इतना बड़ा बड़ा गुपचुप देते हैं, और हम लोग यहाँ जाने के बाद इस गुपचुप को बहुत ज्यादा मिस करेंगे, है ना? मिस करेगी तू? हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे मतलब यहाँ पे 10 में 5 मिलता है, इतना बड़ा बड़ा। हाँ, हमारे वहाँ पे 10 में 6 मिलता है, लेकिन इनका सब पूरे कोलकाता में इनका ही बहुत यूनिक है, पानी भी बहुत अच्छा होता है। कहाँ पे है बता दे, अगर कोलकाता के व्यूअर्स थोड़ा सा देखेंगे तो आके खा लेंगे। गोरियापुर, ओल्ड गोरियापुर में है, साइड में ही आपको मिल जाएगा। बस इतना ही मुझे अभी तक एड्रेस पता है, मुझे ज्यादा नहीं पता है। यस, तो आप लोगों को अगर बड़ा बड़ा गुपचुप खाना है, तो गोलगप्पे खाने हैं, तो इन भैया के पास आ जाना, गरिया मोड़ में है। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा खा लेते हैं, है ना? साइज देखो गाइस, इसका इसका रेडियस कितना होगा? 3 हो जाएगा, 3.5 होगा, 3 सेंटीमीटर। हाँ, नहीं ज्यादा, मैं बस रेडियस बोल रही हूँ, डायमीटर नहीं। हाँ हाँ, रेडियस 3 है, नहीं 3 से ज्यादा है, नहीं रेडियस 3 होने से डायमीटर तेरा 4 है, यहाँ का 4, ये 4 है। हाँ, तो देखो इतना एकदम हाथ में, इतना मुंह में नहीं, इस ये तो एक साथ मुंह में ले भी नहीं पाती है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, एक साथ पूरा अपने मुंह में एक साथ घुसा भी नहीं पाती है, टूट जाता है इसका। देखो देखो कितना बड़ा है। और यहाँ पे सबसे बेस्ट मोमो मिलता है, जो ओडिशा में भी नहीं मिलता है, बेस्ट 60 का प्लेट में बहुत टेस्टी मिलता है। लेकिन आज फ्राइडे है और हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तुझे दुख हो रहा है हम मोमो नहीं खा पा रहे आज? आज लास्ट खाने जाएंगे, कल रात 10:30 हमारा ट्रेन है, तो इवनिंग को यहाँ से मोमो खा के ही हम निकलेंगे, क्योंकि ये मोमो बेस्ट है। हाँ, ओडिशा में ऐसा मोमो नहीं मिलता है। हाँ, है ना? चलो तो फिर मीठा खाने चलते हैं। कोलकाता में ये दुकान हमारा फेवरेट है, हम अक्सर आते हैं यहाँ पे, ये वाला तो स्वीट मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है और प्रीति का भी है। तो यहाँ पे है भैया, हम लोग अक्सर आते हैं, है ना? हफ्ते में एक दो बार तो आते ही है। तो आपका दुकान का नाम क्या है? जोर से बता दीजिए थोड़ा। कृष्ण लाल भुजिया वाला एंड स्वीट्स। यस, गोरिया मोर पे है इनका दुकान, बहुत कुछ मिलता है, स्नैक्स आइटम भी है। साथ हम जब एंटर किए तो यहाँ पे सैनिटाइजर भी था, और सारे लोग मास्क पहन के हुए, लेकिन हम नहीं पहने क्योंकि हम अभी खा रहे थे, हमारा मास्क बैग में है, तो ये भी वही लोकेशन पर ही है, अब आ सकते हैं। यस, और वहाँ पे अंकल जी बैठे हैं, देखिए मुंह साफ कर रहे हैं। Hey guys, so we are back at home. मैंने बीच में आप लोगों को बहुत कुछ नहीं दिखाया, हम लोग 27 को कोलकाता से निकले, 28 को सुबह आके भुवनेश्वर में पहुंचे, उसके बाद वहाँ पे सारा सामान सब कुछ रख के माँ के लिए साड़ी खरीदे। एक्चुअली मैं बोली थी कि वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन नहीं हुआ, बहुत टायर्ड थे, और दो जर्नी एक साथ लगातार करना, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैंने वो नहीं दिखाया। लेकिन कैसे साड़ी लाए हैं वो दिखाऊंगी, मम्मी क्या पहनेंगे। तो अभी आज सुबह 11:29 को आज हम आके पहुंचे घर पे, और तब से बस खाना वाना खा के हम सोए हैं, और मम्मी पापा के साथ बातें कर रहे हैं, और आप बालों का हालत देख के समझ ही गए होंगे कि हमने चंपी कर लिया है। एंड यहाँ पे देखो मम्मी और बैठी है, मम्मी ने हम दोनों को चंपी कर दिया है, घर आते ही दिख रही है, यहाँ पे है, इसीलिए सुबह कल हम लोग बाल बाल धोएंगे, सजेंगे धजेंगे, शादी है, कल शाम को मेहंदी संगीत वगैरह है, तो अभी घर आ गए हैं, इवनिंग का टाइम तो हो गया है,
मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद कि हम लोग क्या क्या पहन रहे हैं सब। और अभी फिलहाल तो मैं मेहंदी लगाऊंगी और हमारी मेहंदी लगाने वाली यहाँ पे है, तो अभी लगा मैं स्पेशली लगाने वाली थी आज मम्मी को, लेकिन इसको पहले लगाना है। मम्मी अभी खाना बनाएंगी तो मैंने सोचा कि पहले मैं लगा लेती हूँ, है ना? ठीक है। और हाँ, तो अभी पहले मेहंदी लगा लेते हैं, फिर आपको बाद में दिखाएंगे क्या क्या ड्रेसेस सब पहनेंगे एंड ऑल। मेरा मेहंदी बस दोनों तरफ फ्रंट की तरफ कंप्लीट हो गया है, पीछे अभी तक नहीं हुआ है। प्रीति का पेशेंस और नहीं है, मेरा भी नहीं है। 11 बज गया है ऑलरेडी, मम्मी पापा सो रहे हैं। और थोड़ा सा जोर से बोल। हाँ, 11 बज गए ऑलरेडी, मम्मी पापा सो रहे हैं, इसीलिए मैं फुसर फुसर कर रही हूँ, नहीं तो वो लोग जग जाएंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है मेहंदी, मैंने सिंपल लगाया है, येट भरा भरा लगना चाहिए वैसा लगाया है। और पीछे मैं कल लगाऊंगी, और वहाँ पे तो चूड़ी रहेगा ना इसका। हाँ, और नीचे तो चूड़िया रहेगा, और मेरा हैंड सब लॉन्ग लॉन्ग है ड्रेस का, इसीलिए मैंने सिंपल ही लगाया है। कैसा लगा बताना कमेंट पे, ज़रूर बताना आपको मेहंदी कैसा लगा। प्रीति ने लगाया है। गुड मॉर्निंग गाइस, पहले तो तुम पहले तो आप लोग मेहंदी देखो, देखो मेहंदी का कलर देखो, अभी ब्राइट हो जाएगा ये तो अभी। हाँ, बस बस मैंने 2 घंटा ही रखा है और मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। देखो, लुक एट दिस गाइस, कितना अच्छा लग रहा है ना। फिनिशिंग देखो, डिटेलिंग देखो, एक एक डिजाइन का। प्रीति हमेशा ऐसे ही बनाती है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने नीचे, ठीक है तू हट। और पीछे अभी भी लगाना बाकी है, लेट हो गया था और उसने अभी तक लगाया नहीं, वो सब आज हम करेंगे, आज बहुत ही ज्यादा काम है। तो वो वाला पार्ट ना, और एक जो मेहंदी संगीत का ब्लॉग है उसमें आएगा सारा सब। तो बेसिकली ये ब्लॉग, हाँ बेसिकली आज है मेहंदी और संगीत, शाम को 30 है, लेकिन ये वाला ब्लॉग मैं आज एंड कर दूंगी यहीं पे। बस आपको थोड़ा सा और ये स्पेशल दिखाना है कि हम क्या पहनने वाले हैं। ऑफ कोर्स आप सब एक्साइटेड होंगे देखने के लिए कि शादी वाले घर पे बहुत ज्यादा तामझाम रहता है, क्या पहनना है। शॉपिंग वॉपिंग हमने सब कर लिया, आपने ऑलरेडी इसके पीछे जो इसने ब्लॉग डाली होगी वो आपने देखा है। तो अभी हम दिखाएंगे कि हम कपड़े क्या पहनने वाले हैं, मम्मी के लिए कौन सी साड़ी ली है। पापा का हमने लिया था तो उनका शर्ट हो गया है, अभी वो पापा का हम नहीं दिखाएंगे, उनको डायरेक्ट आप पहनने के बाद मम्मी पापा को हम दिखाएंगे, लेकिन मम्मी की साड़ी भी दिखाएंगे, हमारे ड्रेसेस सब दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले मम्मी की ही साड़ी दिखाते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, हमें जैसा चाहिए था परफेक्ट वैसा मिला है। यस, मम्मी के पास जो कलर नहीं था वही हमने लिया है। शायद लाइट की वजह से थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, लेकिन ये ना, यहाँ पे ये कलर प्रॉपर हेल्दी वाला कलर और है। यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड का सब है अंदर डिजाइन, और यहाँ पे ये जो ऑरेंज है, कैरेट ऑरेंज कलर है इसको अच्छी तरह से दिखा। ये जो कैरेट ऑरेंज का कलर है, देख रहे हो ये कलर के साथ ये कलर का कॉम्बिनेशन कितना सुंदर लग रहा है ना। ये कलर में मम्मी के लिए नहीं था, तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मम्मी के लिए कुछ येलो के साथ रेड या फिर येलो के साथ मरून, येलो होना चाहिए। मम्मी के पास येलो साड़ी नहीं था,
तो हमें एकदम परफेक्ट साड़ी मिल गया, बहुत ही प्रिटी है ये साड़ी, बहुत ज्यादा। और मेरी मम्मी थोड़ी गोरी सी, गोलू मोलू सी, क्यूट सी है ना, तो उनके ऊपर ये कलर बहुत ही ज्यादा जचेगा, सच में बहुत सुंदर लगेगा। मम्मी को भी बहुत पसंद आया। जब हम सजाएंगे उसके बाद आप मम्मी को भी देखना साड़ी, वो अगले ब्लॉग में आप लोग देख पाओगे कि मम्मी को हम कैसे तैयार कर रहे हैं। सो यस, तो उसके लिए प्रीति पहनेगी ये लाइट मस्टर्ड येलो नहीं, ये लाइट येलो है कलर का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा निकाल के यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये है वो कलर, येलो के अंदर व्हाइट का प्रिंट है। ये जो पहनेगी मतलब सुबह के टाइम, शादी वाले दिन सुबह के टाइम, तो ये तो आपने शायद ऑलरेडी देखा होगा, या नहीं देखा होगा। इस जो दिवाली टाइम में ये पहनी थी, दिवाली टाइम पे मैंने कुछ नहीं लिया था, इसलिए मैंने दो अभी लिया है। ये भी बहुत एकदम पूरा सुंदर है, एक रॉयल लुक है, मेरे को बहुत पसंद आया था। पूरा डार्क ग्रीन का है, उसके अंदर गोल्डन का ये जो छोटा छोटा प्रिंट है, ये तो आप देख रहे हैं। लास्ट में शादी के रात के टाइम हम जो पहनने वाले हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि दोनों पूरा नया है एंड दोनों अच्छा है। हाँ। अच्छा ही आया है, हमने दोनों ही नायका फैशन से ऑर्डर किया है। तो कुर्ता सेट और पैंट पूरा ही सिंपल है, यहाँ पे गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है नीचे, ये सब गोल्डन कलर में। पैंट में भी बहुत एलिगेंट सा ये है, सिंपल है, देख के लगेगा नहीं इतना प्राइसी है, बट हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है ड्रेस। मेरा ड्रेस जो मैं शादी में पहनने वाली हूँ, एंड नेक्स्ट ये है प्रीति का ड्रेस, उसने एक कुर्ता सेट लिया है और एक उसने लिया है जो है ये बहुत ही सुंदर सा ब्लैक गोल्डन ऑरेंज पिंक एकदम कलरफुल मिक्सअप हो गए। ये है शायद ऑरेंज रस्ट समथिंग, कुछ ब्रांड से है नायका से, यस रस्ट ऑरेंज, तो ये बहुत ही सुंदर है, ये भी बहुत प्राइसी है गाइस। तो यस ये नीचे तक पूरा ऐसे कलरफुल है, नीचे भी यहाँ पे ब्लैक का बॉर्डर है कलर के साथ, बहुत प्रिटी है गाइस। ये भी थोड़ा सा कॉस्टली है, नायका फैशन में थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है आपको सारा सब। इसके बाद ना दो तीन ब्लॉग लगातार आते रहेगा मेहंदी का, फिर शादी वाला मैं पार्ट वन पार्ट टू कर दूंगी, हल्दी एंड एंगेजमेंट का, और बाद में शादी का, तो वो सब आप देखते रहना, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अभी इस ब्लॉग को हम दोनों यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो हमारा बैंड बच जाएगा। शाम को हमें जाना है मेहंदी फंक्शन में, और हमारे हालत आप देख रहे हो, पूरा एकदम तेल वेल होके, कुछ हम लोग फ्रेशन अप नहीं हुए हैं। सो यस हम थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड, बाय।